डिपार्टमेंट चाहता है कि कुछ दिनों के लिए हम आपका छत्र छाया में आपकी छत्र छाया में रहें, आपसे कुछ सीखें, आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें। कुछ दिनों के लिए हमारा ट्रांसफर आपके महिला पुलिस थाने में कर दिया गया है। ऐसे ही, बस ऐसे ही शौक हमें भी लगा था जब हमने ये लेटर देखा था। एक्सक्यूज मी। हेलो जयन सर। सर ये पांडे जी जो हैं, डिपार्टमेंट आपके काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित है हसीना मलिक। करिश्मा सिंह ने भी आप ही के अंडर काम किया है और देखिए कितने अच्छे तरीके से जानकीपुरम थाना संभाल रही हैं। तो डिपार्टमेंट ये चाहता है कि कुछ दिन बुलबुल पांडे आपके साथ रह के आपके तौर तरीके सीखें। लेकिन सर हमें पूरा भरोसा है कि डिपार्टमेंट के लिए आप इतना सहयोग तो जरूर करेंगी। जी सर बिल्कुल करेंगे। जय हिंद। हाँ जी, तो आपको ऐसा लगता है कि हम सिस्टम है? नहीं है। नहीं है? अगर हम तुमसे कहें कि हम अपने आप में पूरा सिस्टम नहीं है लेकिन सिस्टम का छोटा सा हिस्सा है तो? आई डोंट केयर। आपने मेरी सोसाइटी को बैन किया, उसे कंटेनमेंट जोन बनाया, इतने दिनों तक आपकी वजह से मैं घर में कैद रहा, तो मेरे लिए तो आप ही सिस्टम है ना? और मेरे हिसाब से आपके अगेंस्ट की कंप्लेन होनी चाहिए। अच्छा मतलब आप हमारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। इसमें बहुत बढ़िया क्या है? नहीं नहीं, इसमें कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, वो हमारा आदत है बहुत बढ़िया बोलने। ऐसी आदत? हाँ ऐसी आदत है हमारी। तो ठीक है, हम एक बार और आपको लास्ट टाइम समझाने का ट्राई करते हैं। समझ गए तो ठीक है, वरना कुछ नहीं समझ आए मुझे। जिसे देखो बस बच्चा समझ के समझाना ही नहीं लगा है। ये समझाना चाहती है ना कि हम बच्चों के साथ जो भी हो रहा है हमें महामारी से बचाने के लिए हो रहा है। हम बच्चे हैं, छोटे हैं, ठीक से अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए हमें बाद में निकलने दे रहे हैं ना? हाँ यही बात है। तो बड़े कौन सा घर के बाहर अपना ख्याल रखते हैं? तो उन सब की लापरवाही का सारा ब्लेम हम बच्चों पर क्यों? बहुत बढ़िया। फिर से बहुत बढ़िया? नहीं मतलब देखो बेटा। कुछ नहीं देखना मुझे, आपके अगेंस्ट कंप्लेन दर्ज करवानी है, बात खत्म। अच्छा ठीक है, मान लो अगर हमारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो जाता है तो क्या आप उसके बाद घर जाएंगे? हाँ। वादा? वादा। ठीक है फिर। पुष्पा जी ठीक है, हमारे खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। नहीं हम आपसे आपसे ही कह रहे हैं पुष्पा जी, का है क्या हो गया, कस मसा कह रही हैं आप? देखिए झूठी रिपोर्ट हम लिखेंगे नहीं, और अगर सच्ची रिपोर्ट दर्ज हो गई तो मामला रिकॉर्ड में चला जाएगा। अब आप अच्छे से जानती हैं फिर क्या होगा, सब कानूनन हो जाएगा। हाँ हम जानते हैं, आप लिखिए। हाँ बोलो। हम बच्चों के साथ डबल स्टैंडर्ड भी ये किया जाता है, बड़े तो कहीं भी आ जा सकते हैं, हमको तो खिड़की से भी देखने नहीं देते हैं। बोलते हैं बाहर महामारी है, खुद खाली बैठे गप्पे मारते हैं और हमें कहते हैं होमवर्क करो। खुद पूरा दिन खाली बैठे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और हम खाते हैं तो बोलते हैं मोटे हो जाओगे, ज्यादा मत खाओ। इतना मेंटल टॉर्चर होता है आंटी। लिखी लिखी और भी है। बस हो गया। हो गया, कंप्लेंट दर्ज कर लिया, शांति मिल गया। चलिए अब आपके घर जाने का बंदोबस्त करते हैं। रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या है? कंप्लेंट तो हो गई, आगे की कार्रवाई कौन करेगा, इन्हें अरेस्ट कौन करेगा? हाँ का अरेस्ट हमें? बच्चा हूँ बेवकूफ नहीं, क्या लगा कंप्लेंट करके टरका देंगे? कंप्लेंट हुई है और जल्दी से इन्हें गिरफ्तार करो और लॉकर में डालो, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगा और सब पर केस कर दूंगा। मैडम सर। हाँ ठीक है, कीजिए हमें गिरफ्तार। करिश्मा सिंह? नहीं मैडम सर, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, हमने गलती किया है ना, है ना, तो हमको तो यहाँ लॉकअप में होना चाहिए। पुष्पा जी लॉकअप में डालिए हमें। मैडम सर चलिए।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस यही तो चाहता था ना मैं। अब मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरा रिवेंज पूरा नहीं हो जाता। जितने दिन इन्होंने मेरी सोसाइटी बैन की, जितने दिन मैं घर रहा, अब उतने ही दिन तक ये इस लॉकअप में बंद रहेगी। तभी इनको हम बच्चों की तकलीफ का एहसास होगा। अगर किसी ने भी इन्हें बाहर निकलने की कोशिश की तो वो इलीगल होगा। मेरे पास कंप्लेन की कॉपी है। वाह वाह, क्या बात है, मतलब क्या इंटेलिजेंट बच्चा है। मतलब ऐसा थोड़ी होता है। देखो आरव बेटा, बात समझो। हमने तुम्हारे कहने पर कंप्लेंट भी लिखवा दी, इनको अंदर जेल में भी भिजवा दिया, अब तो तुम घर। मजा आएगा, बहुत उड़ती थी ना करिश्मा सिंह। अभी बच्चा मदद करेगा हमारी इसकी अकड़ ठिकाने लगाने। एक तो चाय बनाओ, शक्कर कम डालना। मैडम सर, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि अभी हम बुलबुल पांडे को देखने क्यों आए? बुलबुल पांडे ने कल हमसे एक बात कही थी। सुधर गए तब, हम बदल गए। अब हम वो पहले वाले बुलबुल पांडे नहीं रहे। अस्पताल में भगवान को साक्षी मान के हमने एक ही शपथ लिया था कि अगर यहाँ से जिंदा बाहर निकले ना तो एक अच्छा पुलिस वाला ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी बन के दिखाएंगे। प्लीज मैडम सर, इस पापी को क्षमादान प्राप्त करो और प्रायश्चित करने का एक अवसर दे। तो अब हमें ये तो पता लगाना होगा ना कि उसकी बात में कितनी सच्चाई है। मैडम सर, तजुर्बा कहता है मेरा, बिच्छू कभी भी डंक मारना नहीं छोड़ता, मौके का वेट करता है, मौका मिलते ही वो डंक मारेगा। सांतोजी, आप सुबह में सिंघाड़ा खाए थे ना? ये क्या सिंघाड़ा सिंघाड़ा? हाँ, बिना सिंघाड़ा खाए मैं क्या समझदारी की बात नहीं कर सकती? हमेशा सिंघाड़ा 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 करता रहता है। चुप रहोगी तुम दोनों? मैडम सर, ये जीता। मैडम सर, हम है हम। जाओ तुम दोनों वापस जाओ। नहीं नहीं, डिपार्टमेंट ने बुलबुल पांडे को यहाँ ट्रांसफर करके भेजा है, इसलिए जब तक आगे का आदेश नहीं आता हमें उसे झेलना ही होगा। इसलिए ये तो पता लगा ले कि उसके मंसूबे क्या है। चीता चतुर्वेदी, हाँ। तुम्हें याद है तुम्हें क्या करना है? जी मैडम सर, हमको वहाँ पर जाना है, उसके बगल में बैठना है और चाय को पाउडर करना है। उसके बाद से पैर गिरा देना है, इसमें से नकली पॉलिथीन में जो पाउडर भरे हुए हैं ना, ये भी उसके पैर के पास गिरा कर उसको दिखा देना है। उसके बाद से ऐसे अपना बुरखा उठा के अपना स्पोर्ट्स शू और जीन्स दिखा देना है ताकि उसको पता चले कि हम लड़का लड़की नहीं लड़का है, मतलब ऐसा पता चल जाए। उसके बाद वो हमको पकड़ लेगा और हम फिर उसको घुस देने का कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद से हाँ याद है, परफेक्ट, चल जाओ। हाँ मैडम सर, ये वाला माइक पहन लेते हैं। सर, ऑल द बेस्ट। अरे तो सत्तू का सब्जी बना दो, तो हर भाई को बहुत पसंद है। संतोष शर्मा, प्लान बी। सर क्या कर रहे हैं आप? सर आपके सामने एक संगीन अपराधी घूम रहा है और आपको पता भी नहीं है। संगीन अपराधी? थैंक यू चाचा। कहाँ पे? सर वहाँ पे देखिए, जो बुरके वाली नहीं है, वो बुरके के अंदर औरत नहीं, आदमी है, आदमी। अरे कैसा बेगरत बे है आप, बदतमीज आदमी है, तमीज नहीं है औरतों से बर्ताव करने का? मेरा सामान गिर गया। अरे कहाँ जाओगे फैंटम? चलो आओ आओ, चलो चलो आना। सुनो, एक करोड़। अगर तुम हमको अभी छोड़ दोगे ना, तो हमको छोड़ने का कीमत तुमको 1 करोड़ कैश देंगे। अभी जस्ट 1 करोड़। हाँ इस बार। हाँ अभी अभी छोड़ दे हमको। बेटा तुम्हारा किस्मत बहुत खराब है, काहे कि अब हम वो पहले वाले बुलबुल पांडे नहीं ना रहे। पहले वाले बुलबुल पांडे होते ना तो 1 करोड़ का हम 500,000 में मान जाते।
हाँ, लेकिन अब तो कुबेर का खजाना भी दोगे तो ये बुलबुल पांडे अपने फर्ज से गद्दारी नहीं करेगा। बुलबुल पांडे रुक जाइए। मैडम सर आप जी रुक जाइए, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये हमारा कांस्टेबल है चीता चतुर्वेदी। देखिए दरअसल हमने ये सब एक छोटा सा नाटक किया था आपकी ईमानदारी को परखने के लिए, और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि आप इस इम्तिहान में बहुत अच्छे से पास हुए हैं। बुलबुल पांडे उम्मीद करते हैं कि ये डेडिकेशन और ईमानदारी आप आगे भी बनाए रखेंगे। मैडम विश्वास कीजिए हम आपको ना उम्मीद नहीं करेंगे। वेलकम टू महिला पुलिस थाना। जय हिंद मैडम। जय। चलिए हम बुलबुल पांडे पर इतनी आसानी से भी भरोसा नहीं कर सकते, वो सच में सुधर गया या सिर्फ नाटक कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमारे पास एक प्लान है। सुनिए कि आप सबको क्या करना है। पहला पड़ाव पार हो गया, अब दूसरा पड़ाव है आपका पूरा विश्वास जीतना मैडम हसीना मलिक, क्योंकि आगे जितना भी वार करना है आपके कंधे पे बंदूक रख के करना है। बहुत मजा आने वाला। उठो, बात करना है तुमसे कुछ। सुनो ना, हम क्या कह रहे थे कि तुम अगर अपना कंप्लेन वापस ले लेते हो ना तो हम तुमको पता है कहाँ लेकर जाएंगे, पिज्जा खिलाने, चॉकलेट आइसक्रीम और जो भी तुमको पसंद है सब हम तुमको खिलाएंगे। कैसा लगा हमारा ऑफर? इसे ऑफर नहीं, रिश्वत कहते हैं। बच्चा समझाए क्या? एक केस और लगा दूंगा ब्राइब करने के लिए। मैं ये केस वापस नहीं लूंगा। ताकि सिस्टम को भी तो पता चलना चाहिए कि पिंजरे में बंद रहना कैसा लगता है। अम्मा स्लीपिंग टाइम आरव, स्लीपिंग टाइम आरव। सुनो सुनो, कहाँ स्लीपिंग टाइम? सुनो कहा ये सोने कहा जा रहे हो तुम? अरे सुनो, अरे हमारा बात तो सुनो तुम अभी। अरे कैसा जिद्दी बच्चा है, यही फर्श पर सो गया, कैसे कोई समझाएगा इसे। देखिए आपके लिए टिफिन लाए हैं, खा लीजिएगा। कैसे खाएं? चाबी कहाँ गई? बुलबुल ले गया। क्या, हमारे थाने के लॉकअप की चाबी बुलबुल पांडे क्यों लेके गए? जरूर हमें परेशान करने के लिए। कोई बात नहीं, आप खा लीजिए, ये ले। पुष्पा जी एक जैसा ही है ना सब? हाँ, कुछ तो अलग करते। ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको खिलाते। आपको लाल मूंग की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है ना, तो आपके लिए बना के लेके आए। धन्यवाद। चल रहा है आपका? कमाल, आप कमाल हैं पुष्पा जी। हम भी कमाल हैं। आप तय कर लीजिए कहाँ से खिलाएंगे। नहीं, आप बताइए आपको कहाँ खाना है। हमें यहाँ से खिलाएंगे। ठीक है, फिर से नहीं खाना है हमको, खाना ही नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी यहाँ से। हाँ खाइए। अच्छी लगी? आपने मिर्ची जान मुझके ज्यादा डाला ना। पता था आपको तीखा अच्छा लगता है इसलिए बनाया आपने। पड़ गए ना लेने के देने। हाँ, बच्चों को समझाएंगे, खाक समझाएंगे। ऐसे बच्चे ऐसे होते ना कि एक बार कोई भी जिद पकड़ लेते हैं तो किसी की नहीं सुनते। अब हमारे लल्ला को ही देखो ना, जिद पकड़ के बैठा था, आप ही से शादी करूंगा, आप ही से शादी करूंगा। और मतलब हमारे कहने का मतलब है बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। देखो तो ये भी तो बच्चा कितना प्यारा है। बस मैडम सर जल्दी से आ जाए, इसको समझा बुझा के उसके घर भिजवा दे। अरे
आरव बेटा उठो, उठो 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 उठो, ये कोई जगह है सोने की, आपको अपने घर नहीं जानना ना, आप हमारे घर चलिए, आप वहां जाकर सोइए। इस तरह से जमीन पर कोई सोता है क्या? चलिए चलो उठो। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से कहीं गया तो आप ही ने सिस्टम दीदी को यहाँ से बाहर निकाल देंगी। आप हमें ऐसा काहे देख रही हैं? इसमें भी हमारा ही गलती है तो और किसकी गलती है फिर? ये पहले आपके थाने आया था ना, अगर आप थोड़ा सा पेशेंटली इससे डील करती, अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालती तो बात यहाँ तक पहुँचती नहीं। मैडम सर, हम और कब आप थोड़ी समझदारी से, थोड़े शांत तरीके से केसेस सुलझाना शुरू करेंगी? क्या कहा था आपने हमसे कि हम आपसे, आपके थाने से, आपके केसेस से दूर रहें, राइट? लेकिन जब आपके छूटे हुए आधे अधूरे केसेस हमारे थाने आते हैं तब क्या करें हम करिश्मा सिंह? तब उन्हें सॉल्व करें या फिर आपकी धमकी याद रखें? मैडम सर, ये बच्चे की ये बचकानी जिद को आप केस समझती हैं? ये केस है, वैसे भी केस आपके थाना में रजिस्टर हुआ है, तो फिर इसे आप अपने तरीका से निपटिए। हम भी देखते हैं कि कैसे आप समझदारी से, सूझबूझ से, अपने जज्बातों से इस अतरंगी केस को सॉल्व करती हैं। एक ऐसा केस जिसका कानूनन ना तो कोई सर पैर है, ना कोई आकार आधार है। वाह, बहुत अच्छे। आरव उठो बेटा, एक बात बताओ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आपकी बिल्डिंग सील हुई उसमें सिस्टम की गलती थी? क्योंकि सिस्टम को कोरोना फैलने से पहले ही रोकना चाहिए था ना, तो ये सब होता ही नहीं। अच्छा ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने घर चले गए तो हम सिस्टम दीदी को छोड़ देंगे? हाँ। एक बात बताइए आरव, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि अगर आप सिस्टम दीदी की जगह होते, या अगर आप सिस्टम होते, करिश्मा सिंह की जगह होते, तो आप ये प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाते? बिल्कुल। अच्छा, फर्ज कीजिए, मानिए कि अगर हम आपको सिस्टम बना दें, अगर हम सारा पावर आपके हाथ में दे दें, तो आप क्या करेंगे? मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो ठीक है फिर, तेरा, हम आपको सिस्टम बनाते हैं। आज से अब आप यहाँ के थाना इंचार्ज हैं, आप हम सब के सीनियर हैं और हम सब आपके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। प्लीज प्लीज हमें सिखाइए कि सिस्टम को कैसे चलाया जाता है। मैडम सर, पुष्पा जी, हमने जैसा कहा है अब वैसा ही होगा। आज से ये आपके सीनियर हैं, आप सब इनके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। जी मैडम सर। तो फिर बताएं कि ये हमारे सीनियर हैं? बिल्कुल। जय हिंद सर। सच में? मुझ में। फाइन, फिलहाल अभी मैं घर जा रहा हूँ, और मेरे पीछे किसी ने भी सिस्टम लीडर को बाहर निकाला तो उसे सस्पेंड किया जाएगा। कल मॉर्निंग में मिलते हैं, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है। इट्स एन ऑर्डर, गॉट इट? बिल्कुल सर, समझ गए। ओके, ये अपनी कैप रखिए, मैं कल सुबह पहनूंगा। ओके सर। मैडम सर, हम हैं। सीता चतुर्वेदी, तुम्हारी वर्दी कहाँ है? उतार दी मैडम सर, वरना परमानेंट उतर जाती। आरव सर ऐसा ऑर्डर दिए थे ना कि बच्चा लोग को इसे रियलाइज करवाना होगा कि पुलिस जो है वो दुश्मन नहीं, दोस्त है, इसीलिए जोकर का कॉस्ट्यूम पहन के तब थाना में घुमा, ऐसा बोले आरव सर। अच्छा सुनो, ये सब छोड़ो, ये बहुत जरूरी फाइल है, इन्हें हेडक्वार्टर पहुंचाना। नहीं जा सकते मैडम सर, सॉरी। नहीं, आरव सर का ऐसा ऑर्डर है ना कि तुरंत एक घटना स्थल पर पहुंचना है, वहां पर उनके दोस्त के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया उनके हिसाब से। क्या हादसा? हादसा ये हो गया मैडम सर कि उनका दोस्त जो है ना, उसके साथ एक लड़का खेल नहीं रहा है। हमको जाना पड़ेगा मैडम सर, अर्जेंट है, सॉरी मैडम सर। पुष्पा जी, ये बहुत जरूरी फाइल्स है, इन्हें जल्द से जल्द हेडक्वार्टर पहुंचा। नहीं मैडम सर, हम बिल्कुल नहीं जा सकते। अब देखिए तो कितना सारा होमवर्क बचा पड़ा है, और आरव सर की ऑर्डर है,
कि जब तक ये होमवर्क पूरा नहीं होता हम मुंडी ऊपर करके किसी की तरफ देख भी नहीं सकते। अब क्या करें, ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा ना। संतोष शर्मा, फोन छोड़ी और ये फाइल्स हेडक्वार्टर पहुंचाई। सॉरी मैडम सर, मैं तो बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। आरव सर के ऑर्डर है मैडम सर कि जब तक वो ना करे तब तक मैं वीडियो गेम खेलती रहूँ ऑनलाइन उनके साथ। वाह, मतलब हमारा थाना थाना नहीं रहा, बाल उद्यान बन गया है हमारा। देखो ना, यहाँ पे पार्क बन गया है, सब खेल रहे हैं यहाँ पे। आप तो बहुत उपहास उड़ा रहे थे ना हमारे अति आत्मविश्वास का। इत्मीनान रखिए करिश्मा सिंह, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। हम कभी दिन में दिए नहीं जलाते, आपने कोशिश करके देख लिया, अब हमारी बारी, देखते हैं आगे क्या होता है। दिखाई तो सब दे रहा है मैडम सर हमें, और समझ में भी आ रहा है। आपने आरव को यहाँ का सीनियर बना दिया ताकि वो अपना मनमानी कर सके और हमको सबसे ज्यादा परेशान कर सके। आप अपना पर्सनल भड़ास निकाल रही हैं मैडम सर। हदे आप भी, हाँ, जो मुंह में आता है बोल देती हैं आप। कुछ पता भी होता है आपको? रहने दीजिए पुष्पा जी। नहीं नहीं मैडम सर, बहुत होमवर्क बचा है अभी। हमारा मतलब है रहने दीजिए, जिस तरह समुद्र में बारिश बेमतलब है, ठीक उसी तरह एक जिद्दी दिमाग से समझदारी की उम्मीद करना भी बेमतलब है। आप ये सब छोड़िए, बताइए आरव कहाँ है? वो आपका नया भरोसेमंद बिच्छू बुलबुल पांडे है ना, वो आरव को अपने साथ पिज्जा खिलाने लेके गया है। कहाँ? अपने लखनऊ में चेन्नई कैफे है ना, वहाँ इटालियन पिज्जा खिलाने लेके गया है। कैसा लगा सर? टेस्टी। अरे इसीलिए तो आपको यहाँ लाया है। आप कुछ कह रहे थे? अरे वही तो कह रहा था कि बहुत कमाल का पिज्जा बनता है यहाँ पे। नहीं, उससे पहले आप कुछ कह रहे थे ना कि एक चीज होती है जिससे गलती करने वाले बड़ों को एक अच्छा लेसन मिल जाता है, फिर वो दोबारा मिस्टेक नहीं करते हैं। उका हमरा पुलिस का भाषा में थर्ड डिग्री कहते हैं, और जिसको लग जाता है ना उसका दिमाग ठिकाने आ जाता है। क्या लगता है, शिशन दिनों को भी देनी चाहिए थर्ड डिग्री? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा करनी वैसा भरनी। पकड़े गए बुलबुल पांडे,